नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने क्रूड स्टील के उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी ने विक्रय में 2.7% की बढ़ोतरी हासिल की है। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में महिला कर्मचारियों के लिए प्लांट लेवल समृद्ध क्विज आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नवंबर 2020 के दौरान 7% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 14.17 लाख टन कच्चे क्रूड स्टील उत्पादन किया है, जो नवंबर 2019 के दौरान 13.28 लाख था। सेल के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों का कुल कच्चा क्रूड स्टील उत्पादन 14.02 लाख टन रहा, जो नवंबर 2019 के दौरान 13.03 लाख टन रहा था। इसके साथ ही कंपनी ने पिछले महीनों के अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए नवंबर 2020 के दौरान 13.09 लाख टन का विक्रय किया है। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों के दौरान कोविड-19 द्वारा पैदा हुई चुनौतियों के चलते बाजार मांग में काफ़ी कमी आई थी और लॉकडाउन के कारण बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद जमा हो गए थे। इसके बावजूद सेल ने अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान महीने दर महीने के बेहतर विक्रय को जारी रखते हुए समेकित रूप से विक्रय में 2.7% की वृद्धि सुनिश्चित की है। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कंपनी से परफॉर्मेंस पर कहा, इस साल के नवंबर 2020 के दौरान सेल का प्रदर्शन बाजार दशाओं के बेहतर होने के साथ साथ कोविड से पहले के स्तर पर लाने की दिशा में सेल कार्मिकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों को दिखाता है। सेल ने बाजार की मौजूदा उछाल को अवसर के रूप में लेते हुए घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अपना विक्रय बढ़ाने की दिशा में कई पहल किए हैं, जिसने कंपनी के माल गोदाम में बढ़ते भार को कम करने के साथ साथ बैलेंस शीट में कर्ज की एंट्री को काफ़ी हद तक कम करने में मदद की है। कंपनी आने वाले समय में बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए आश्वस्त है। महिला कर्मचारियों के लिए समृद्ध क्विज का प्लांट स्तरीय फाइनल HRD सेंटर में 3 दिसंबर को आयोजित किया गया। कुल 7 टीमों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें से 2 व्यक्तियों को लेकर एक टीम बनाई गई थी। कार्यपालक सहायक CCW सुश्री रुक्मणी केरकेटा और कार्यपालक परिचारक MM विपणन सुश्री शगुफ्ता अख्तर की टीम प्रतियोगिता में विजेता बनकर उभरी। वरिष्ठ प्रबंधक CCW सुश्री दिव्या दास और प्रबंधक रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग सुश्री कविता बिसॉय की टीम ने उपविजेता का पुरस्कार जीता। वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा और जनसंपर्क सुश्री लोलाती टोपो और उप प्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री अर्चना लाकड़ा की टीम द्वितीय उपविजेता रही। विजेता और उपविजेता टीमों को क्रमशः 4,000 रुपये और 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को 1,500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। एक ऑडियंस राउंड भी शामिल था, जिसमें सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को प्रतीक उपहार दिए गए। उप प्रबंधक कार्मिक सुश्री अनिकेता वी सिंह और MTA नगर सेवाएं श्री विज्ञान पात्रा इस कार्यक्रम के क्विज मास्टर्स थे। सेल स्तर पर होने वाले फाइनल में विजेता और उपविजेता दोनों टीमें RSP का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने राज प्रतिभागियों का स्वागत किया। महाप्रबंधक HRD श्री शिवराजन और उनकी टीम ने इस आयोजन का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि यह क्विज, जो एक अंतर संयंत्र इकाई सेल स्तरीय प्रबंधन और बिजनेस क्विज MBQ 2020 है, कॉरपोरेट HRD द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सेल की महिला कर्मचारियों को व्यवसाय निकास, नए प्रबंधन अवधारणाओं, व्यावसायिक व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण और वर्तमान मुद्दों, सेल के इतिहास और विरासत के बारे में उनके ज्ञान और जागरूकता को विकसित करने में मदद करना है। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।